हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से स्टूडियो आ चुकी हूँ एक घंटा लेट, क्योंकि मैं एक घंटे से मेट्रो स्टेशन पे थी। एक डॉग को डॉग बाइट कर ली थी एंड फिर मुझे स्प्रे व्रे मारना पड़ा, लेके आना पड़ा, तो इसलिए मैं लेट हो गई। बाकी मैं बताती हूँ बाद में। मैं एक घंटे से वहाँ पे मेट्रो में एक डॉग नहीं आया ना, वो डॉग बाइट। नहीं यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दो ही दिन क्लास करके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉग बाइट कर ली थी मैं, उसके लिए दवाई और स्प्रे लेने गई थी। अरे मैं वो भाई भाई भैया को दिखाओ। अरे मैं भाई, अरे हाँ चलो आओ आओ दिखाती हूँ। मैंने इनको देखा था वहाँ पे देखा था हमने, एक घंटे पहले आपको देखा था। हाँ तो एक घंटा हो गया था भाई घूमते घूमते भैया को ढूंढते, कोई तो लगा दे उस बच्चे को स्प्रे, मैं लगा दे तो मैं काट लेता। अच्छा, मेरे को जानता नहीं है ना वो। फिर मैंने रिक्शे वाले भैया को बोला आप लगा दो, फिर वो उनको जानते थे, उसने लगवा लिया उनसे। ठीक है डॉगी? हाँ पता नहीं अब ठीक थोड़ी है, वो हो जाएगा, मतलब दवाई दे दी है। नहीं दवाई दे दी है, वो हो जाएगा ठीक। चलो धीरे धीरे बताओ हेयर स्टाइल, बताओ। चलो मंजीत सर का खुद ही करने लग गया उस डब्बी पे हेयर स्टाइल, हमें तो पता ही नहीं रहे खुद ही करने लग गए। वो कह रहा है यस बोलिए। नहीं बोलना, क्या कहना चाहते थे आप? ये कह रही थी कि जैसे कि मैंने अभी तुम्हारी बात करी थी कि ब्लॉग बनाने थे चुपके के, चुपके मैं तो सामने से बनाती हूँ, मैं चुपके का बनाती हूँ, मैं सामने से ले रही हूँ आपकी वीडियो। और आपको एतराज है तो आप बोल दीजिए ना। नहीं है ना आपको जैसे करवाई दिया फेमस, जिस दिन आप करा दोगे ना मेरे को फेमस, आपको पार्टी कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का बोलना। और हमें आगे बढ़ते रहना है, कुछ लोग जलते हैं लोग। घर आ जाओ, कंटेंट दे दो मुझे, घर बाहर निकलोगे मेरे को अपने आप मिल जाता है कंटेंट। बाहर जाएंगे तभी तो कंटेंट मिलेगा ना, क्योंकि इंडिया पूरा कंटेंट। भाई इतनी ठंड में उठना इज वेरी डिफिकल्ट, तो जो उठ के काम पे डेली जाते हैं उनको सल्यूट है। काम करते हम तो फिर भी नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे, पर जो कर रहे यार वो सल्यूट। सारे नेल्स टूट गए गाइस, बहुत ही बुरा लग रहा है और बहुत बेकार लग रहा है, और ये निकल भी नहीं रहे यार, ये निकल ना भाई। हमारी नेल्स पे पड़ गई और हम ये लेके जाएंगे। मुझे क्या हो रहा है गाइस, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ। ये मलाई रोल को बोले बोल ही नहीं जा रहा मुझसे। एक तो मेरे को ठंड बहुत लग रही है यार आज। आपको दिखाएंगे कितनी अच्छी है मलाई रोल। देखा देखा, आपसे अपनी वीडियो बोला गया, मेरे से मेरी वीडियो बोला गया, पर हमें एक दूसरे की वीडियो में बोला गया। हो गया, हर कोई फंबल हो गया। हाँ मलाई ऐसे वर्ड है, मलमल हो जाता है। पता नहीं खाना चाहिए, पता खाना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं खाऊंगी, जहरीला निकला फिर। दोबारा बेइज्जती करवाने जा रहे हैं, हमें ना पसंद नहीं आए, पसंद आ गए कोट्स, वो रिलैक्स नहीं कर रहा था ठीक है। तो उन्होंने हमें फोन करी, बोला छोड़ छोड़ मैं ले आऊंगा ठीक है, तुम छोड़ के आ जाओ। हम छोड़ के आ गए कि लेस नहीं कर रहा आप अंकल जाओ, अब वो कह रहे वापस लेके आओ। वो यार अब बेइज्जती कराने दोबारा जा रहे हैं हम लोग, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करना। मैं ओवर एक्टिंग करूँ क्या जा रहा है, मेरे ही तो ब्लॉग है। रोड नहीं क्रॉस होती, बस एक ही मेरे को फोबिया है रोड पे, बहुत ज्यादा लगता है जैसे गाड़ी ठोक ही देगी। खाएगा ना? पक्की बात है, पक्की कसम खा ले अब। मैं मम्मी को कसम खा दे दो यार। अपनी मम्मी से कपड़े पहनो, पहन पहले भाई देखो कैसे। तुम जाओ बाहर खड़ी हो, मैं घर जा रही हूँ। अरे पहन ले यार प्लीज, आ जा बेबी प्लीज पहन लो प्लीज प्लीज, बिनते करवा रही है। पहन
के बम फेंक रहे हैं क्या? एक्साइटेड हो गई है वो, और कोई बात नहीं है। सो गाइस आई हैव अ क्वेश्चन कि ये तो सो गया है ठीक है, ये मेरी जगह है और ये पूरा सोया हुआ है, तो मैं कैसे सोऊं यहाँ पे? मुझे नहीं समझ आ रहा। और अगर मैं वहाँ भी सो जाती हूँ तो ये क्या करेगा, ये वहाँ आके लेट जाएगा, तो मैं टांगे कैसे सीधी करूँ यार? पूरी रात ये ऐसी करता है और मैं पूरी रात ऐसे सोती हूँ जैसे ये मेरा बेड नहीं है इसका, ये देखो ये चौड़ा होकर सोता है। हेलो मिस्टर, इसको कोई होश नहीं है अभी।